हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। शेयर करके जरूर बताना। तो गाइस, अभी ना मतलब सुबह हो गई है, मतलब सुबह के बज रहे हैं अभी 5 और बेटी को मैंने उठा दिया है। आज का प्रोग्राम ये है कि आज ना मेरी बेटी ने जाना है ग्रेडिंग के लिए। जैसे कि पहले भी ब्लॉग में उसको देखा था आपने कि उसको येलो स्ट्रिप बैट मिली है, तो आज जो ग्रेडिंग है अगर तो उसकी ग्रेडिंग मतलब उसमें उसको मिलेगी आज ऑरेंज बैट। वहाँ पर जाकर उसने अपना मतलब जो भी एग्जाम देगी उसके उसी के बाद उनको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे और बैट भी मिलेगी। तो मैंने ना बेटी को जो है सुबह उठा दिया था 4:45 बजे ही, तो बस वो अभी तैयार हो रही है। तो मैं दिखाती हूँ उसकी लुक, वो कैसी लग रही है। चलो भाई, तो रेडी हो गई है अपने ग्रेडिंग के लिए और तैयार है। हाँ तो ला के दिखा दे। हेलो बोल दो। तो कैसा लग रहा है आज? तो ग्रेडिंग है, सुबह सुबह 5 बजे उठ गई, नींद तो नहीं आ रही? नहीं, रात को जल्दी सो गई, सब नींद नहीं आ रही। अच्छा चलो, फिर चलो, लेट हो जाओगे। तो गाइस, अभी ना मतलब देखा उसकी लुक कैसी लग रही है। मतलब ये जो है सेल्फ जो डिफेंस है, मेरा सिखाने का पर्पज जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अपनी रक्षा खुद करना। हर जगह तो हम बेटी के साथ जा नहीं सकते हैं, तो उसको अपनी रक्षा खुद ही करनी आनी चाहिए। और भारत की सारे बेटे और बेटियों को जो सेल्फ डिफेंस है वो ज़रूर सीखना चाहिए। तो इसी पर्पज से जो है मैंने इसको सेल्फ डिफेंस में डाला है, मार्शल आर्ट कह लो या कराटे कह लो। तो मैंने इसलिए इसको डाला है, लेकिन मुझे सिर्फ बैट लेने के लिए ही नहीं, मुझे ये चाहती कि उसके अंदर वो चीज़ आए, मुकाबला करना आए। कि जैसे कि अगर कुछ भी ऐसी दिक्कत हो, ऐसे भगवान करे किसी के साथ दिक्कत ना हो, लेकिन ऐसे किसी के साथ भी दिक्कत होती है तो वो अपनी रक्षा खुद करे, किसी पे डिपेंड ना रहे। तो इस तरह हमें अपने भारत की जो बेटियों को ना इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। तो बस अब जो है वो तैयार हो चुकी है, सुबह उठ गई थी तो मैंने ज़्यादा से कुछ खाने को नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पर भी उसको अपने ग्रेडिंग के लिए एग्ज़ाम देना होगा। तो खाली पेट ही है एक तरह की, तो फिर भी थोड़ा बहुत छोटा सा जो गिलास दूध है वो मैंने इसको दे दिया था, ये ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि वहाँ पर वैसे भी ना मतलब मॉर्निंग में ही होता है कि सुबह सुबह तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे जो टाइम बढ़ता है तो धूप निकल आती है। तो जो उसकी ग्रेडिंग का जो टाइम है वो 6 to 9 है। तो बस अब चलते हैं अपनी बेटी को लेकर। तो बच्चे जो हैं सुबह पहुंच गए थे सारे ही, 6 से 9 बजे का टाइम है। और देखिए सारे बच्चे ड्रेस में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ जो सर है ना वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि किस तरह से बच्चे कर रहे हैं, तो इसी के हिसाब से ना वो ग्रेडिंग करते हैं, हर बच्चे को देखते हैं। तो यहाँ पर छोटे बड़े सारे ही हैं इसके अंदर, छोटे बच्चे भी सीखते हैं और बड़े बच्चे भी सीखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है मेरी बेटी जो है वो किक और जो भी हाथ का जो भी इनको सिखाया है उस तरह से, मेरे को तो इतना खैर नहीं पता, लेकिन हाँ ये जो है इनको अपने आप को बचाना भी होता है इसमें। तो ये देखिए कैसे कर रहे हैं, उधर जो सर हैं वो कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किक कैसे कर मार रहे हैं, अपने लेग्स कैसे यूज़ कर रहे हैं और हैंड्स कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो बस इसी के हिसाब से जो ना मतलब ग्रेडिंग की जाती है। ये देखिए मेरी बेटी कैसे कर रही है, देखो ये वेरी गुड। वो दूसरी बेटी जो लड़की है वो भी बहुत अच्छा कर रही है किक और हाथ से, ये देखो ये वेरी गुड। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है, देखो यहाँ पर सारे जो है ना मतलब बच्चे काफ़ी इंजॉय भी कर रहे थे, मैं साथ साथ देख रही थी, नीचे बैठे हुए थे। और वो देखिए सर उनका वीडियो भी बना रहे हैं साथ साथ, और वो जो सर हैं बीच में वो जिस तरह से उनको ग्रेडिंग कर रहे हैं कि देखते हैं कि बच्चा किस हिसाब से कर रहा है। तो ये देखिए क्या किक मारती है मेरी बेटी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है बीच में जो ब्राउन बेल्ट वाली लड़की है, इसको ब्राउन बेल्ट मिल चुकी है। मेरी बेटी को पहले येलो स्ट्रिप बेल्ट मिली थी। तो जो ब्राउन वाली लड़की है इसको अपने आप को बचाना है, और ये इनको मार मार के इसको पीछे हट रहे हैं। तो वो जितना हो सकता है उनको मार के, जितना पीछे हो सकता है उतना पीछे होना है। सर उनको समझा भी रहे हैं कि आप मार के एकदम से पीछे जाइए। ये देखिए मेरी बेटी पीछे भागी। ये देखिए ये कितना मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, इंजॉय हो रहा था, मतलब बैठे बैठे इंजॉय कर रहे थे। और कईयों को इसमें ब्लू बेल्ट भी मिल चुकी है, और मेरी बेटी को जो है ना ऑरेंज बेल्ट मिलनी है इसके बाद। तो ये देखिए
ये इसके साथ ही सारी जो इसके फ्रेंड्स है सब ये साथ में ही सीखते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छा कर रही है, बीच में जो लड़की है वो भी अपने आप को अच्छा बचा रही है। तो ये जो सेल्फ मैनेजमेंट है ना, मतलब सेल्फ मैनेजमेंट बॉडी सॉरी ये सेल्फ डिफेंस है ना, ये अपनी रक्षा खुद करने के लिए ये बच्चे इस चीज़ की ट्रेनिंग लेते हैं। तो मतलब और ये मैं चाहती हूँ कि देश की हर बेटी को सेल्फ डिफेंस की जो है ट्रेनिंग लेनी चाहिए ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सके। तो अब जो है ये ब्लू बेल्ट वाली लड़की है, ये अब अभी बीच में आई है, तो इसको अपने आप को बचाना है। तो बच्चे बस प्रिपेयर हो रहे हैं साथ साथ ही। तो देखे क्या करती है, ये देखिए, ये देखो, ये मेरी बेटी ने मारा पीछे हटी, ये देखो कितना अच्छा कर रही है ब्लू बेल्ट वाली, वेरी गुड। मतलब देखो, मतलब जो लेग्स है ना, जो किक है वो भी बहुत अच्छा चला रही है। तो और बच्चे भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, देखो मेरी बेटी ने तुम्हारे पीछे हटी, ये देखिए क्या मतलब, ये देखिए जो उसकी जो लेग की जो किक है ना बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा करती है। ये मेरी फ्रेंड, मेरी बेटी है ना, उसकी फ्रेंड है, उसी दोनों इकट्ठे ही सीखते हैं। ये जो सर एक्चुअली में उसकी बेटी है जो बीच में ब्लू बेल्ट वाली है, ये देखिए अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही थी, सब कह रहे थे कि बहुत अच्छा कर रही है। बच्चे जो हैं जो उसको मार के भाग रहे हैं वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो भी बच रहे हैं अच्छी तरह से, ऐसा नहीं है कि नहीं। और वो देखो सबको अपना सही किक मार रही है, ये देखो, ये देखो फिर भी पिट गई ये देखिए, मतलब हम तो बैठे बैठे ना इंजॉय कर रहे थे। देखो सर भी उनको समझा रहे हैं कि आपने मतलब बचना है, उसको पकड़ना है अच्छे से, मारना है, ये देखिए, ये मतलब वहाँ पर ना सारे जो बच्चे हैं ना, मतलब वो भी बैठे बैठे देख देख के हंस रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए पकड़ लिया उसको, ये देखो अब देखो क्या करते हैं तो ये देखो पकड़िए, ये देखो ये इसके उसको पकड़ेगी, इनके फाइटिंग कैसे करते हैं ये, मुझे लगा था फाइटिंग बुरी पर फाइटिंग नहीं, उनको शायद पकड़ना था, सर उनको उसको समझा रहे थे साथ साथ ही। ये देखिए, ये वाह क्या बात है, वो उसको मार रही है, किक मार रही है, उसको पकड़ा है उसको कि तू पकड़ा है अब इसको मार कैसे कर सकती है। तो ये देखिए अब यहाँ मेरी बेटी है, ये देखो उसको उसको पकड़े रखना था, और जो नीचे थी ब्लू बेल्ट वाली उसको उससे उठना था, बचना था। तो मेरी बेटी ने भी काफ़ी कोशिश करी, और जो साथ में जो ब्लू बेल्ट वाली वो भी पूरी कोशिश कर रही है हटने के लिए, और ये खड़ी हो गई धीरे धीरे, और मेरी बेटी ने भी काफ़ी कंट्रोल किया उसने, तो बड़ा अच्छा लगा था, सबने क्लैपिंग किया। और यहाँ देखिए जो ये भी एक ट्रेनिंग का ही हिस्सा है, तो ये देखेंगे कि किस तरह से इनको अपने जो भी इनको सिखाया गया है उनको याद है, उसी हिसाब से इनकी ग्रेडिंग भी होगी। और ये जो छोटा सा सरदार है, प्यारा सा क्यूट सा, अब ये छोटा है लेकिन हाँ ये बहुत अच्छा कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी ना मतलब पूरी कोशिश कर रहे थे। तो ये देखिए मेरी बेटी भी अभी छोटी है, हाँ पूरी तरह से कोशिश कर रही है, सारे स्टेप याद है इनको, तो बहुत अच्छा से कर रहे थे सब बच्चे। तो ये देखिए ये, और धूप भी निकल चुकी है, और देखिए ये जो है इनको ऐसे इस तरह से वेलकम करना है। और ये देखिए अब आगे, अब ये दूसरा ट्रेनिंग का है, इसमें इसमें भी ये देखेंगे किस तरह से कर रहे हैं, इनको अपने याद है कि नहीं, इस हिसाब से ग्रेडिंग होगी। और ना धूप निकल चुकी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मतलब मैं तो वहाँ बैठी थी ना, पानी पे पानी पिए जा रही थी, बच्चे तो बेचारे लगे हुए थे क्योंकि 6 से 9 बजे तक का टाइम था, इतने घंटे मतलब बच्चे बैठे रहे करते रहे प्रैक्टिस, तो मतलब पसीने पसीने हो रहे थे। तो देखिए मेरी बेटी ने कितना अच्छा किया, वो भी अच्छा कर रही है, इसके फ्रेंड भी साथ में वहाँ पर, एक जो है वो ब्लू बेल्ट पीछे जो है ना वो लड़का, वो भी सीखता है, वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा था वहाँ पर। तो अब ये देखिए जो घड़ी थी जिस इसका इंतज़ार था बेल्ट का, तो इस बच्चे को तो ब्लू बेल्ट मिली है, और जो मेरी बेटी को जो है वो ऑरेंज बेल्ट मिलनी थी। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, इसके पापा और मैं तो बड़े खुश थे, हमें एक अच्छा प्राउड फील हो रहा था, मेरी बेटी ने बहुत अच्छा किया। तो ये मेरा ट्रेनिंग जो सिखाने का जो मेरा मतलब यही है कि मेरा बच्चा आगे बहुत बड़े आगे बढ़े और अपनी रक्षा खुद कर सके। सर्टिफिकेट तो खैर बेल्ट तो सभी ले लेते हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ें उनको अप्लाई करने भी आना चाहिए। तो ये इसको मिल गई है ऑरेंज बेल्ट, और ये सर किसी और को भी बुला रहे हैं, आओ भी आपका भी नंबर है। तो यहाँ पर सब पेरेंट्स ना वीडियो बना रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे, बहुत एक्साइटेड थे अपने बच्चों को, लगता है ना। ये देखिए यहाँ पर जो है ना, सबको जो है अपनी मेहनत का फल मिला, सबको सर्टिफिकेट मिला, ये बीच में सारे सर हैं और ये सारे बच्चे हैं छोटे से बड़े। यहाँ देखिए ये फोटोग्राफ हमने खींची, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ये मेरी बेटी को सर्टिफिकेट मिला, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, घर में सारे बड़े खुश होंगे, अब घर जाएगी तो देखो। ये देखिए बहुत अच्छे लग रहे थे बच्चे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, सारे ड्रेसेस में अच्छे लग रहे थे, ये सारी इसकी फ्रेंड्स हैं छोटी से बड़ी। चलो अभी घर पहुँच गई है, ये इसको मिली है फ्रूटी भी मिली है, हाँ
दो केले मिले और ऑरेंज बेल्ट मिल गई फाइनली। यस अब आगे आगे जल्दी जल्दी से करो, अगर आप ब्लैक बेल्ट भी लेनी है ना। और थक गई होगी अब तो बहुत ज्यादा है ना, पिछली बार से कम थक गई। अच्छा इस बार स्टैमिना थोड़ा बढ़ गया होगा ना। इस बार वैसे ज्यादा नहीं करा है, पिछली बार दो बेल्ट एक साथ दी थी ना। हाँ पिछली बार दो एक बेल्ट थी। चल अब तो थक गई, सुबह की उठी हुई है। चलो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ इसने, सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया क्योंकि खाली पेट ही जाना था है ना। भूख लग रही है थोड़ी थोड़ी। चलो भाई कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लगा, मेरे बेटे ने तो सर्टिफिकेट ले आया। देखा दीदी देखो क्या लेकर आई है सर्टिफिकेट है विराट है। ये तो भी नहाया भी नहीं है, देख दीदी आ भी गई थी जल्दी सुबह की गई हुई है, देखिए पहले कह रहा फ्रूटी दे तो गाइस देखा मेरी बेटी को तो ऑरेंज बैट भी मिल गई और सर्टिफिकेट भी मिल गया, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, घर में सारे ही बहुत बहुत ज्यादा खुश है। तो गाइस बताना कि जो आज का जो ब्लॉग है आप लोगों को कैसे लगा, अगर जरा भी अच्छा लगा हो तो मेरे इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।